नमस्कार साथियों, संगीत प्रेमियों, रात के 2 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मंदार।
आज गीत संगीत के कुछ ऐसे रंग लेकर आए हैं जो मशहूर निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा की फिल्मों से हैं। सन 2000 की फिल्म मिशन कश्मीर का ये गाना अभी आपने सुना। सुनिधि चौहान, जसविंदर नरूला और शंकर महादेवन तथा साथियों की आवाजें थी। राहत इंदौरी ने गीत को लिखा था। शंकर एहसान लॉय का संगीत था। कई हिट फिल्में दे चुके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा, जिनका करियर जबरदस्त रहा है। हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म परिंदा से की थी, लेकिन उन्हें मुन्ना भाई सीरीज की वजह से ज्यादा जाना जाता है। उन्होंने डायरेक्शन का बाकायदा एफटीआईआई पुणे से कोर्स किया था। उस दौरान उनकी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म मर्डर एट मंकी हिल को नेशनल अवार्ड मिला था। मुन्ना भाई सीरीज और पीके जैसी फिल्मों से दर्शकों तक सोशल मैसेज पहुंचाने वाले विधु विनोद चोपड़ा की फिल्मों से आज सुरीला सफर के कुछ गाने। आगे दो गाने इसी फिल्म से, यानी कि फिल्म मिशन कश्मीर से आपके लिए पेश करेंगे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे विधु विनोद चोपड़ा। सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण को, समीर का लिखा गाना, शंकर एहसान लॉय का संगीत। चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा। सपनों की है दुनिया यही, मेरी आंखों से देखो जरा। चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा। सपनों की से मैंने देखा। चुपके से सुन इस पल की धुन।
धोखा आए हम महका के जाए हमको न कुछ भी खबर है खबर है दूर शहनाई बज यादों की दुल्हन सजी सीने पे तुम्हारे मेरा सर है सपनों की है खामोश रात गुनगुनाती है एफएम रेनबो की याद दिलाती है और हम होते हैं आपके साथ इस सफर के हम सफर बनके रात 2 से सुबह 5 बजे तक होता है हमारा और आपका ये सुरीला सफर सिर्फ आकाशवाणी मुंबई के 107.1 एफएम रेनबो पर म्यूजिकली योर्स फिर जर्रा जर्रा महकेगा खुशबू के मौसम आएंगे फिर चिनार की शाखों पे पंछी घर अपना बनाएंगे इन रात फिर जन्नत की गलियों में सब लोग ये नगमा गाएंगे रिंद पोश माल गिंदने द्राए लो लो
दीवार संगीत जाए सरहद के पार संगीत दिलों को जोड़ने का काम करता है और हमारे साथ ही संगीत प्रेमी तो दिन रात जुड़े रहते हैं हमारे साथ आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो के साथ। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर मंदार के साथ। सन 2000 की फिल्म मिशन कश्मीर का ये गाना अभी आपने सुना, शंकर महादेवन और साथियों की आवाजें थी, समीर ने इसे लिखा था, संगीत शंकर एहसान लॉय का था। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्मों के कुछ गाने इस वक्त आप सुन रहे हैं सुरीला सफर में। 5 सितंबर 1952 को पंजाबी फैमिली में जन्मे विधु विनोद चोपड़ा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रहने वाले थे। हालांकि 1990 के हंगामे के बाद उन्हें कश्मीर छोड़ना पड़ा, लेकिन कश्मीर से उनकी सेंटिमेंट्स हमेशा जुड़ी रही। कश्मीर के हालात और आतंकवाद पर उन्होंने ये फिल्म बनाई थी मिशन कश्मीर, जिसके वे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। मिशन कश्मीर में ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा और संजय दत्त ने लीड किरदार निभाया था। फिल्म निर्देशक स्क्रीन प्ले राइटर विधु विनोद चोपड़ा। कई शानदार फिल्में बनाने वाले विधु विनोद चोपड़ा को बॉलीवुड में मल्टी टैलेंटेड मैन कहा जाता है। उनकी इन कमर्शियल फिल्मों ने समाज को एक मैसेज देने का काम हमेशा किया। सन 2003 में उन्होंने फिल्म बनाई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, इसके वे लेखक और निर्माता थे। चलिए आज के इस कार्यक्रम का अगला गीत इसी फिल्म से हम सुनेंगे। इसे राहत इंदौरी ने लिखा है, संगीत है अनु मलिक का और गाने वाले कलाकार श्रेया घोषाल और विनोद राठौड़। खन 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 क्यों खन के रे
झन 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 क्यों झन के रे झनकार तेरे मेरे प्यार की है धुन ये मोहब्बत के इकरार की है झन 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 मन गाए क्यों
प्यार भरा ये गीत आपने सुना, फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्मों के गाने इस वक्त आप सुन रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर मंदार के साथ। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले जब कुंदन शाह जाने भी दो यारो फिल्म बना रहे थे, तब नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NDFC से उन्हें सिर्फ 7 लाख रुपए मिले थे। अब इतने कम बजट में फिल्म बनाना मुश्किल था, इसलिए कुंदन शाह ने पंकज कपूर, नीना गुप्ता, सतीश कौशिक, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी से कम पैसों में काम करने की गुजारिश की थी। सब उनके दोस्त थे तो तैयार हो गए। विधु विनोद चोपड़ा इस फिल्म के प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, खर्च का पूरा हिसाब किताब रखते थे। एक दिन क्लाइमेक्स की शूटिंग चल रही थी, महाभारत का सीन फिल्माया जा रहा था, उसी वक्त दुशासन बना एक्टर 2000 रुपए मांगने लगा। विधु विनोद से उसने 500 रुपए में काम करने की हामी भरी थी, लेकिन अब वो अड़ गया कि 2000 से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। बड़ा मुश्किल समय था, न पैसे थे न समय। ऐसे में विधु विनोद चोपड़ा ने आओ देखा न ताव खुद ही दुशासन के गेटअप में सेट पर पहुंच गए। उन्हें देखकर सब हैरान रह गए, लेकिन शूटिंग शुरू हो गई और इस तरह वे फिल्म एक्टर भी बन गए। फिल्म एक्टर कहिए और साथ ही साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा। उनकी फिल्मों से ये गाने इस वक्त आप सुन रहे हैं सुरीला सफर में। अब 2005 में उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की थी परिणीता, उसी फिल्म का गाना सुनेंगे। गाया है गीत को सुनिधि चौहान ने, लिखा है स्वानन किरकिरे ने और संगीत दिया है शांतनु मोहित्रा ने।
जब खामोश रात गुनगुनाती है, एफएम रेनबो की याद दिलाती है, और हम होते हैं आपके साथ इस सफर के हम सफर बनके। रात 2 से सुबह 5 बजे तक होता है हमारा और आपका ये सुरीला सफर, सिर्फ आकाशवाणी मुंबई के 107.1 एफएम रेनबो पर। म्यूजिकली योर्स। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Na 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 na, na na na. विधु विनोद चोपड़ा की फिल्मों के गाने इस वक्त सुन रहे हैं आप सुरीला सफर कार्यक्रम में आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो पर मंदार के साथ। थ्री इडियट्स उनकी एक फिल्म जो आई थी सन 2009 में, इसी फिल्म से सूरज जगन और शर्मन जोशी का गाया ये गाना था। सुवानन किरकिरे ने इसे लिखा था, शांतनु मोइत्रा का संगीत था। विधु विनोद चोपड़ा जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 45 साल पूरे कर लिए हैं,
फिल्म सजाए मौत से उन्होंने फिल्म निर्देशन की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में बनाई। उन्हें बचपन से ही फिल्मों का शौक था। उनके पिता डीएन चोपड़ा भी फिल्में बनाया करते थे। विधु विनोद चोपड़ा की सबसे हिट फिल्मों में एक है 1989 की परिंदा। जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और नाना पाटेकर इस मशहूर फिल्म के प्रमुख कलाकार थे। इस फिल्म के लेखक, निर्देशक और प्रोड्यूसर भी विधु विनोद चोपड़ा ही थे। परिंदा एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। अपने कई इंटरव्यूज में विधु विनोद चोपड़ा ने बताया कि उन्होंने इस फिल्म के पोस्टर को खुद अपने हाथों से मुंबई के सिनेमाघरों के बाहर लगवाया था। अब हम थ्री इडियट्स से ही एक और गाना सुनेंगे इस कार्यक्रम में। इसे गाया है सोनू निगम ने। देंगे तुझे जाने, तुझे देंगे नहीं जाने, नहीं देंगे तुझे जाने, तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम ना रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरे चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। दो कदम का ये सफर है, उम्र छोटी सी डगर है, एक कदम में लड़खड़ाया क्यों। सुन ले यारों की ये बातें, बीतेंगी सब गम की रातें, यारों से रूठा है साले क्यों। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे। खत में क्या लिखा था, जिए तो जुग जुग ये कहा था, चार पल भी जी ना पाया तू। यारों से नजरें मिला ले, एक बार तो मुस्कुरा दे, उठ जा साले यूं सताता है क्यों। जाने कुछ गाने सुनते हुए वो पूरी की पूरी फिल्म हमारी आंखों के सामने आ जाती है, या फिल्म का कोई एक सीन हमारी आंखों के सामने आ जाता है। ये भी एक ऐसा ही गाना था, 2009 की फिल्म थ्री इडियट्स का गाना, गाया था सोनू निगम ने। और ये सारी जो फिल्में हैं, जिन फिल्मों के गाने इस वक्त आप सुन रहे हैं, ये विधु विनोद चोपड़ा की फिल्में हैं, और इन फिल्मों के ही कुछ गाने चुनकर लाया हूं आपके लिए। सन 2000 की फिल्म मिशन कश्मीर के साथ हमने शुरुआत की थी आज के इस कार्यक्रम में। विधु विनोद चोपड़ा की ये एक हिट फिल्म थी। इस फिल्म की एडिटिंग की थी राजकुमार हिरानी ने।
आगे विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस के निर्देशक बने राजकुमार हिरानी। संजय दत्त अभिनीत इस फिल्म के रिलीज होने के बाद दर्शकों ने इस फिल्म को इतना प्यार दिया कि यह फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस सुपर डुपर हिट रही। सन 2003 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा बिजनेस किया था। इसे खुद विधु विनोद चोपड़ा ने लिखा था और इसके बाद उन्होंने इसका सिक्वेल भी बनाया 2006 में, लगे रहो मुन्ना भाई। लगे रहो मुन्ना भाई से ये गाना सुनेंगे अब। इसे संजीवनी और विनोद राठौड़ ने गाया है, लिखा है स्वानंद किरकिरे ने, संगीत शांतनु मोहित्रा का। बोले तो कैसी होगी हाय, ऐसी या वैसी अरे कैसी होगी हाय। hey, बोले तो बोले तो कैसी होगी हाय, ऐसी या वैसी अरे कैसी होगी हाय। अपुन को जैसी मांगता है वैसी होगी हाय। तो कैसी होगी हाय, ऐसी या वैसी अरे कैसी होगी हाय। अपुन को जैसी मांगता है वैसी होगी हाय। ख्वाबों में वो अपुन के रोज रोज आए, खोपड़ी के खोपचे में खलबली मचाए। ख्वाबों में वो अपुन के रोज रोज आए, खोपड़ी के खोपचे में खलबली मचाए। खाली पीली भेजा साला यूं ही फड़फड़ाए। कैसी होगी हाय, ऐसी या वैसी अरे कैसी होगी हाय। अपुन को जैसी मांगता है वैसी होगी हाय। किसी को हो खबर तो यारो हमको ये बताए, सीधी सादी होगी वो या आइटम हाई फाई। किसी को हो खबर तो यारो हमको ये बताए, सीधी सादी होगी वो या आइटम हाई फाई। माँ के पैर छुएगी या जस कहेगी हाय। तो कैसी होगी हाय, ऐसी या वैसी अरे कैसी होगी हाय। अपुन को जैसे मांगता है वैसी होगी हाय।
विधु विनोद चोपड़ा की फिल्मों के गाने सुरीला सफर कार्यक्रम में आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो पर मैं मंदार हूं आप सभी संगीत प्रेमी साथियों के साथ। विधु विनोद चोपड़ा की यादगार फिल्मों में एक है 2009 की थ्री इडियट्स। इसमें भी उन्होंने स्क्रीन प्ले पर खूब काम किया था। सभी दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत बहुत पसंद किया। महज 3 दिनों में 100 करोड़ की कमाई कर ली थी थ्री इडियट्स ने, जिसके बाद इसे विदेश में भी रिलीज किया गया था। वहां भी दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत सराहा। सन 2014 में विधु विनोद चोपड़ा ने आमिर खान के साथ मिलकर एक और फिल्म बनाई पीके। इसने भी कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। कई विवादों के बावजूद ये फिल्म दर्शकों के दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ने में कामयाब हो गई थी। आगे हम थ्री इडियट से ही एक और गाना सुनेंगे, शान और शांतनु मोहित्रा का गाया, स्वर्ण किरकिरे का लिखा और संगीत शांतनु मोहित्रा का। जश्न मनाता हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहां से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहां गया उसे छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहने से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। यार हमारा था वो, कहां गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र
फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, चोपड़ा की सन 2018 की फिल्म संजू का गाना अभी आपने सुना। श्रेया घोषाल और सुखविंदर सिंह का गाया गीत था, शेखर अस्तित्व का लिखा, विक्रम मोन्ट्रोस का संगीत। अब इस कार्यक्रम के पहले हिस्से में विधु विनोद चोपड़ा की फिल्मों के कुछ गाने सुने, कुछ गीत संगीत के और अलग अलग रंग पेश करेंगे आपके लिए इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में। स्टे ट्यून, सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।